खबरों के लिहाज से पेटीएम भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनको पेमेंट सर्विसेज के लिए जो है एफडीआई से अप्रूवल मिल चुका है, और आने वाले समय में आरबीआई अगर इनके जो अर्जी रहती है लाइसेंस के लिए, अगर उसको अर्जी मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो इसके लिए और भी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव माना जा सकता है। महेश जी, एक बार आपका टेक लेना चाहेंगे पेटीएम पे। अब जो अच्छी खबरों का सिलसिला है वो थोड़ा सा चालू हो चुका है पेटीएम पे, तो क्या यहाँ पे गिरावट में खरीदने की रणनीति बनानी चाहिए? आपका क्या नज़रिया है पेटीएम पे? इट इज टू न्यूज ड्रिवन मॉर्निंग। मुझे लगता है आई थिंक कि जो काफी सराउंडिंग है न्यूज को लेके इससे रिफ्लेक्ट करता है स्टॉक काफी हद तक। और जहां तक आई थिंक ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जहाँ पे स्टेबिलिटी हम उम्मीद कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो न्यूज पर आई थिंक स्टॉक रिएक्ट्स ईदर ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड। तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिव रहे ब्रॉडर मार्केट्स में। देर आर स्टॉक्स विच आर स्टिल इन गुड। पेटीएम वी वुड लाइक टू अवॉइड दिस। पेटीएम अवॉइड करना है, पर जी हाँ, आप देखें जोमेटो के साथ पेटीएम की डील हुई थी, तब 2000 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास कैश आना था। साथ ही साथ अब ये जो न्यूज़ फ्लो है ये भी पॉजिटिव ही माना जा रहा है, पर जी हाँ, एनालिस्ट का भी कहना है कि अगर लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिलता है आरबीआई की तरफ से, तो इनके मल्टीपल्स में एक री रेटिंग ट्रिगर ज़रूर आ सकता है, तो उसका वेट ज़रूर करते हैं। पर आज फोकस रहेगा वोडाफोन आइडिया पे भी, क्योंकि कल ही हमने देखा था एक पॉजिटिव खबर आई थी कि फाइनली एजीआर ड्यूज के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हियरिंग करेगा 30 अगस्त यानी कल जो है वो हियरिंग होगी, और इस पे आज सिटी की रिपोर्ट भी आई है जहां पे उनका कहना है कि अगर ये जो इनको राहत है वो मिल जाती है इन ड्यूज में, तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा वोडाफोन आइडिया के लिए। एक बार किरण क्विकली आपसे समझना चाहेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि कई दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है एक टाइट रेंज में। करें तो काउंटर में वीकली या तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। स्टॉक काफी लंबे समय के बाद अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटलुक जरूर से है। लेकिन उसके एफपीओ के बाद हम देख रहे हैं कि काउंटर 18 रुपीज तक गया, और उसके बाद कंसोलिडेशन में एक रेंज थोड़ी बड़ी बनी है। 18 रुपए से लेके आप नीचे में देखोगे तो 12 रुपए है, ये रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। एज ऑफ नाउ तो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आगे भी हमने डिस्कस किया था कि जब तक 14 रुपीज का लेवल ब्रेक नहीं होता है वोडाफोन आइडिया के अंदर, तब तक आप नई खरीदारी भी कर सकते हो, और जिनके पास है वो होल्ड भी रख सकते हैं। अगर 14 रुपीज ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 20 रुपीज, और जैसे ही 20 रुपीज ब्रेक होगा तो वीकली चार्ट पे एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है, और तो 20 रुपीज के बाद तो एक बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 20 रुपीज के टारगेट के लिए 14 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हमें बाय करना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर कट राय, 14 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगाइए, और 20 रुपए तक के टारगेट्स जो हैं वोडाफोन आइडिया में आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ मानना सिटी का भी है कि अगर ये जो ड्यूज हैं वो यहाँ पे इनको राहत मिलती है, तो 4 से 5 रुपए प्रति शेयर का एक पॉजिटिव ट्रिगर या फिर और इनको इसका फ़ायदा हो सकता है प्रति शेयर के तौर पर।